फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं जिनका भी नाम आर से शुरू होता है उनके लिए कैसा होगा 2021, क्या कुछ खबरी है, क्या कुछ परिवर्तन, क्या कुछ होने वाला है आपके लाइफ में। तो आर नाम वाले, चलिए देखते हैं आपकी। पहले देखते हैं आपकी पर्सनल लाइफ, जो कि बहुत अच्छी दिख रही है। यहाँ पे फैमिली के साथ बहुत इंजॉय करने वाले हैं आप, बहुत ही अच्छा समय दिख रहा है। लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का समय, अप्रैल का जो समय होगा, थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे आप, थोड़ा सा अकेलापन महसूस करेंगे। हो सकता है कि आपके जो लाइफ पार्टनर हैं वो थोड़े से आपसे दूर हों, या फिर कहीं बाहर जा रहे हों, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। या तो फिर आप किसी रिलेशनशिप में हैं जिसके में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आएगी, ऐसा कुछ। रुकिए, पहले हम पूरे कार्ड्स को आपके देख लेते हैं। देखिए, बहुत अच्छे कार्ड्स यहाँ दिख रहे हैं जो कि आपकी पर्सनल लाइफ के लिए है। आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं तो बहुत पॉजिटिव जा रहे हैं आप। आपकी शादी हो सकती है, बहुत सारे लोग फैमिली बना सकते हैं, यानी कि शादी का कार्ड है यहाँ पे। और यहाँ साथ में एक चीज़ और भी है कि आप अपने पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि आप बहुत लॉन्ग डिस्टेंस, जो कहते हैं ना कि बहुत ही दूर रहते हैं आपके पार्टनर हैं, आपके लव पार्टनर हैं या लाइफ पार्टनर हैं, आपसे दूर हैं, लेकिन आप अपने जो भी आपकी जो रिलेशनशिप है ना, उसमें सफल हैं आप। ये चीज़ दिख रही है यहाँ पे। कभी कभार आपका मन में ये चीज़ होगा कि इस रिश्ते से बाहर निकला जाए। कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं फैमिली की तरफ से, आपके दोनों के बीच में नहीं, लेकिन फैमिली की तरफ से थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन फिर से आपको एक चांस मिलेगा लाइफ में, अपने लाइफ, अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको ठीक करने का। बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं पर्सनल लाइफ के लिए। अभी हम कुछ कार्ड निकालें, फिर हम आपको पूरा क्लियर करके बता देंगे कि हमें क्या पता चल रहा है आर नाम वालों के लिए, कि उनके लिए कैसा रहने वाला है। तो देखिए, दो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं आर नाम वालों के लिए। एक तो नंबर नोट कर लीजिए, 31 आपके लाइफ में मायने रखता है। 3 नंबर, 1 नंबर मार्च और जनवरी, ठीक है, ये आपका हो सकता है डेट जिस दिन आपका जन्म हुआ है। फरवरी हो सकता है, सितंबर का महीना हो सकता है, ये सितंबर नहीं, अगस्त का महीना हो सकता है ये। और 8 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 1 तारीख बहुत मायने रखती है। 8 का यहाँ पे हो सकता है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ हो वो 17 हो, तो 8, यानी ऐसे भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें दिख रही थी कि जो आपका स्टार्टिंग होगा ना, बहुत अच्छा रहेगा नए साल का। बहुत इंजॉय करेंगे अपनी फैमिली के साथ, खुश रहेंगे, अपनी फैमिली के साथ घूमने जा सकते हैं जहाँ आपके बच्चे बहुत खुश हैं। आपकी शादी भी हो चुकी होगी, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनकी शादी नहीं हुई है, लेकिन वो अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं। तो जनवरी का मौसम बहुत अच्छा होने वाला है आपके लिए। फरवरी का समय थोड़ा सा वर्क वाला रहेगा, जिसमें आप दोनों अब एक साथ मिलके कोई काम करेंगे, या फिर आप लोग मिलके जॉब करते हैं तो उसके लिए आप पैसा, इनकम इकट्ठा कर रहे हैं घर बनाने के लिए, ये सभी चीज़ें हो सकती हैं। तो जिसमें आपके पार्टनर का बहुत साथ आपको मिलेगा फरवरी का मौसम, मतलब आप दोनों साथ में होंगे, जिसमें बहुत अच्छे से एक दूसरे की आप केयर करेंगे, सुख दुख में साथ देंगे, और नई उम्मीदें लाइफ में आ रही हैं, खुशी का समय आ रहा है। जो भी आपने अब तक अच्छे कर्म किए हैं वो सारे फल आपको फरवरी में मिलेंगे, यानी फरवरी का मौसम बहुत अच्छा होने वाला है आर नाम वालों के लिए। उसके बाद मार्च का जो समय होगा ना, यहाँ पे सेलिब्रेशन दिख रहा है। यहाँ ऐसा दिख रहा है कि लाइफ में आप अब, हाँ, अब हम खुश हैं, मुझे खुशी मिल रही है, ऐसी वाली फीलिंग आपको आएगी मार्च में। फिर उसके बाद अप्रैल का मौसम थोड़ा सा ऐसा होगा जिसमें खर्चा दिख रहा है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे। पैसे का थोड़ा सा आपको फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप करेंगे तो वही मौसम होगा अप्रैल में जिसमें आप बैठ के सोचेंगे कि मेरा इतना पैसा बर्बाद हो गया। तो ये चीज़ें यहाँ आपकी दिख रही हैं मुझे। मई का मौसम थोड़ा सा ऐसा होगा कि आप थोड़ा सा अपने लाइफ पार्टनर को वो मिस कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है किसी वजह से आपके पार्टनर कहीं आपसे दूर चले जाएं, या कोई काम पे चले जाएं, या फिर किसी और स्टेट में काम करते हों, किसी और देश में काम करते हों, ये चीज़ हो सकती है। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो उनके लिए भी सेम चीज़ है। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि अब रिश्ता कहीं ऐसा तो नहीं कि रिश्ता खत्म हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। उसके बाद विश्वास लौट के आएगा आपके लाइफ में, वो होगा समय जून का। जून का मौसम आपके लाइफ के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। जून में आपको लगेगा कि नहीं, जो चीज़ मेरी है वो तो मेरी रहेगी, उसे मैं किसी भी कीमत पे छोड़ नहीं सकता हूँ, नहीं छोड़ सकती हूँ, ये चीज़ रहेगी। उसके बाद का समय रहेगा फिर से वही, इंसान का मूड है वो चेंज होता रहता है, मूड चेंज होता है, लेकिन परिस्थितियाँ जो होती हैं वो जो होनी होती हैं उसी हिसाब से होती हैं। तो आपका मूड चेंज हो रहा है, लेकिन परिस्थितियाँ जैसी चल रही हैं वो चलती रहेंगी उसी तरह।
नया मौका मिलेगा आपको। उसके बाद का जो समय रहेगा जुलाई अगस्त का बहुत अच्छा रहे दिख रहा है यहाँ पे, अगस्त सितंबर का महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। अब थोड़ी बातें आपको सलाह के रूप में, यहाँ पे हेल्थ की थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है, तो आप अपने या लाइफ पार्टनर आपके हो सकते हैं या आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो बीमार हो, उनकी केयर कीजिए। आप लोगों में से एम नाम का भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है, तो आर नाम वाले एम नाम पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं, वी नाम पर ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर। तो हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप अपनी फैमिली में भी देखिए और साथ में आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर या फिर आपके लव पार्टनर, तो उन पर उम्मीदें लाइफ में आपने की हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उम्मीदें बस उतनी ही कीजिए जितनी आपको भी लगता है कि हाँ ये की जा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी लव लाइफ के लिए। आइए देखते हैं आपके लिए साईं बाबा का संदेश क्या है आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में। पुनरावृत्ति, जब तक सबक ना सीखें तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो सबक सीखिए, देखिए क्या गलती आप कर रहे हैं जो आपको बार बार सेम चीज़ें देखने को लाइफ में मिल रही हैं, बार बार सेम तकलीफें आपके जीवन में आ रही हैं, तो ऐसा क्या कर रहे हैं आप। अब देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है करियर। जीवन में अगर करियर आपने अपना अच्छा बना लिया ना, तो बहुत सारी मुश्किलें ऐसे ही आसान हो जाती हैं, लेकिन अगर आपका करियर नहीं सही है ना, तो बहुत सारी मुश्किलें जो होती हैं वो खड़ी हो जाती हैं। वीडियो थोड़े से बड़े हो गए हैं, इस वजह से हो सकता है आप थोड़ा सा बोर हो जाएं, लेकिन कोई बात नहीं, आपके नए साल के लिए वीडियो था तो डिटेल में तो बनाना बनता था। तो आइए देखते हैं आपका करियर क्या हमें दिखा रहा है। करियर के लिए तो बहुत अच्छा समय दिख रहा है, यानी जो स्टार्टिंग होगी ना आपकी जनवरी की ना, बिल्कुल एनर्जी वाला दिमाग लगाएंगे आप, चतुर चलाकी से जो भी काम कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, आपको करना चाहिए, कम समय में ज़्यादा मेहनत वाला काम आप कर रहे हैं तो करिए, वो भी स्मार्ट वर्क कर रहे हैं तो उसको भी अच्छी बात है। जस्टिस का कार्ड है, यानी कि फरवरी में आते आते आपको उसका रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। मार्च में जो चीज़ें आपने जनवरी में जो चतुर चलाकी की है ना, उसका हो सकता है लोग थोड़ा सा आपकी निंदा करें, तो देखिए ऐसा क्या कर रहे हैं आप। अप्रैल का जो समय होगा वो भी बहुत ज़्यादा आप वर्क कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप बिजनेस करते हैं या तो आप स्टूडेंट हैं, ठीक है। उसके बाद का समय थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा नुकसान हो सकता है आपको, लेकिन एक नई शुरुआत की तरफ आप जा रहे हैं। देखिए ये कार्ड अपना आप देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि नई शुरुआत की तरफ आप जा रहे हैं, वो समय रहेगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून का समय बहुत अच्छा रहेगा आपकी लाइफ के लिए, जिसमें आप खुश होंगे, लाइफ में जो भी आप चाहते हैं वो चीज़ें आपको मिल रही हैं। कन्फ्यूज़न क्रिएट होने वाली है जुलाई में, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न मत रखिएगा, उसके बाद चॉइस का कार्ड आ जाएगा, फिर आपकी सेलिब्रेशन और फिर हम देखते हैं एक हैप्पी लाइफ। आ जाते हैं आपके रीडिंग पे। जून का मौसम बहुत अच्छा है आपके लिए और उसके बाद देखिए, यानी कि अगर मैं आपको कार्ड्स को देख के बताऊँ तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आठ नाम वालों के लिए करियर तो बेस्ट है, करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा अच्छा समय आपका 2021 में होगा, जिसमें आपको अपार सफलता, जिसे हम कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा सफलता देखने को मिलेगी। स्टूडेंट के लिए तो बहुत अच्छा समय है, आप अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर प्राइवेट नौकरी की जो भी कर रहे हैं ना, उसमें सफलता मिलेगी, चॉइस मिलेगी, आप चुनिए अपने हिसाब से। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको नौकरी कब तक मिलेगी, ठीक है, एक जो आपने सोचा है वो चीज़ तो आपको मिल जाएगी, ये तो दिख रही है, लेकिन वो समय हम आपको बता देते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। सितंबर का मौसम बहुत अच्छा है आपके लिए। अक्टूबर में आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। आइए नवंबर देख लेते हैं और ये देख लेते हैं दिसंबर। कन्फ्यूज़न दिसंबर में थोड़ी सी आ जाएगी, एक नया साल स्टार्ट होता है उसके बाद, तो ये तो बहुत समय की बात है, उसके बीच में तो बहुत सारी रीडिंग हो जाएगी, लेकिन ये लग रहा है कि आपका जो सितंबर का मौसम होगा ना आपकी लाइफ में, वो बहुत सारी खुशियाँ लेके आएगा, यानी कि आपकी जॉब हो जाएगी, पक्का सेलिब्रेट कर रहे हैं आप। देखिए आप कितना अब तक का जो मैंने रीडिंग किया, काफ़ी समय से हम रीडिंग कर रहे हैं हर अल्फ़ाबेट के, लेकिन अभी आपका जो करियर दिखा रहा है ना, बहुत बेस्ट दिखा है, बोनस दिख रहा है, पैसा वहाँ से मिलेगा जहाँ से उम्मीद नहीं है आपको, तो बहुत अच्छा समय है 2021 वालों के लिए, आर वालों के लिए। घूमने जाएंगे आप, ठीक है, 27 नंबर मायने रखेगा आपकी लाइफ में,
10 नंबर मायने रख रहा है, 1 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, तो ये सब नंबर हैं। फरवरी का महीना, अगस्त का महीना, जनवरी का महीना, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। आइए कुछ कार्ड और देखते हैं। थोड़ा सा आपको हेल्थ पे ध्यान देना है, ये चीज़ दिख रही है। 33 नंबर यहाँ दिख रहा है, यानी 3-3 नंबर, यानी मार्च का महीना हो सकता है, 3 नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, और समय बहुत अच्छा दिख रहा है। करियर, नया घर, अगर आप नया घर का सोच रहे हैं या फिर नए घर के लिए कोई काम कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी आपको। फरवरी का समय दिख रहा है, यानी फरवरी तक कुछ ना कुछ ऐसा काम आप ज़रूर करेंगे जो आपके घर से जुड़ा हुआ रहेगा। बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए, खासतौर पे आपकी जो करियर होगा ना उसमें, जिसमें आपका पैसा इनकम सब कुछ आ जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रीडिंग तो अच्छी लगी होगी। आइए देख लेते हैं आर नाम वालों के लिए ये जो पूरा साल होगा 2021 वो कैसा जाने वाला है। देखिए, बहुत अच्छा साल आपका जा रहा है, संभावनाएं बहुत बन रही हैं चीज़ों को बनाने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए, पैसे को लेकर। लेकिन मन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपके अंदर एक डर, एक थोड़ी सी उदासी है। हो सकता है कुछ ऐसा आपके लाइफ में हुआ हो जिसकी वजह से आप बहुत परेशान रहते हैं, जो आपके मन में एक डर का कारण बना रहता है। तो उस डर को थोड़ा सा आप निकालिए, क्योंकि वो डर थोड़ा सा अगर आप रखेंगे अपने मन में तो वो आपके लिए सही नहीं होगा। तो जो भी दुख तकलीफ़ है बहुत ज़्यादा उसको अपने लाइफ में हावी मत होने दीजिए, ये सलाह है आपको। आइए देखते हैं पूरा साल के लिए क्या कार्ड निकलते हैं आपके लिए। कोई नया काम स्टार्ट कर सकते हैं आप। 38 नंबर यानी कि 3 और 8 काफ़ी मायने रखता है आपके लिए। मार्च का महीना, अगस्त, सितंबर का महीना, काफ़ी टाइम से हम बता रहे हैं सितंबर का महीना काफ़ी मायने रखता है। 8 नंबर काफ़ी मायने रखता है, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 17 हो, या तो 18 हो, या तो 8 हो, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए 8 नंबर फिर से आपके लाइफ में आ रहा है, यानी कंफर्म है कि बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो या तो 8 तारीख है या तो 17 तारीख है। ध्यान रखिएगा सितंबर का महीना बहुत मायने रखता है आपके लिए, सितंबर नहीं अगस्त सितंबर, ठीक है, 2 महीना ले लीजिए अगस्त और सितंबर, उसकी जब मध्य का समय होगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में है ना तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अपने पार्टनर को थोड़ा सा और समय लीजिए कुछ भी डिसीजन लेने से पहले। और बहुत अच्छा समय भी बिताएंगे आप इस साल अपने फैमिली के साथ। हो सकता है आप गांव में जाएं, अपने फैमिली में जाएं, अपने जहां आपके सब अपने रहते हैं उनसे मिलें और काफ़ी समय बिताएंगे आप उनके साथ। खुशी वाला पल दिखेगा जिसमें बच्चे बहुत खुश होंगे, सब एक साथ होंगे, ये सब चीज़ें दिख रही हैं। मार्च का मौसम हो सकता है, यानी मार्च का समय हो सकता है जब आप एक साथ हों, और सितंबर का महीना ऐसा होगा जब आपके फैमिली के साथ आप समय बिताएंगे। आपके लिए सलाह देख रहे हैं, देखिए 3 सी है, 3 मंत्र हैं आपके लिए, 3 मंत्र जो हम हमेशा से देखते हैं। अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए, आज नहीं तो कल यही सब आपके जीवन में लौट आएंगे, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 3 सी है, कट, क्लियर, कैंसिल, अपनी स्मृति, परेशानियों को और चिंताओं को छांटे, निर्मल कीजिए, शुद्ध कीजिए। जो पहले तो क्लियर कर लीजिए कि लाइफ में दिक्कतें क्या हैं आपको और किस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना है, कौन सी चीज़ फिजूल की आप सोच रहे हैं, इनको क्लियर कर लीजिए लाइफ में, तो आप समझ जाएंगे कि आपकी दिक्कत क्या है लाइफ में और सच में जो है वो है भी नहीं, या फिर आप फिजूल का सोच रहे हैं, इसलिए आपके लिए CCC आया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय फ्रेंड्स। नहीं, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना TR ब्लॉग्स, ठीक है, अब मिलते हैं कल।